नई खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। WF न्यूज आपको खबर दे सबसे पहले। और यहां आपको अहम खबर दूं। और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर की, ये है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इनका नाम है लुबना शाह। ये कह रही हैं कि 40 ओवरऑल, यानी कि जो है 40 ओवरऑल होना चाहिए, 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं लुबना शाह। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इनकी आईडी है मदीहा मदीहा। ये कह रही हैं कि मेरे 57 मार्क्स बट फेल बाय 1 मार्क इन मदर टंग, तो क्या होगा? मदीहा खान, ये तो जो है अल्लाह को ही पता है क्या होगा, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, अल्लाह मालिक है। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम लिखा हुआ है कि अलमास तौफीक। ये कह रहे हैं कि 40% इन ईच सब्जेक्ट 50 ओवरऑल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अलमास तौफीक, बिल्कुल आपने सही कहा। इंशाल्लाह हम जो है आवाज़ उठा रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, क्योंकि कमेंट्स ज़्यादा हैं और टाइम हमारे पास कम है। तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, इनका नाम है आशा कुमारी। ये कह रही है कि सर ओवरऑल परसेंट इनको 45 करना चाहिए, ये 40 क्योंकि हर साल 10% कम किया है, जबकि अब बहुत फेल हुए हैं और रिलैक्सेशन देनी चाहिए। बाकी जो है आपका कहना बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हर साल जो है इसी तरह ही होता है। बिल्कुल आपने सही कहा है और आपकी बात पर जो है इंशाल्लाह हम पूरा उतरेंगे और हम इसी लिए ही एहतजाज कर रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, नेक्स्ट जो स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इनका नाम है फरिया खान। ये कह रही हैं कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म फिल नहीं किए थे, क्या उनको भी चांस दिया जाएगा? जी बिल्कुल फरिया खान, ऐसा ही होगा, उनको भी जो है चांस दिया जाएगा, इंशाल्लाह चांस सबको मिलेगा। और इंशाल्लाह इस बार मुझे उम्मीद है पूरी कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं भरपूर और ये जो हम यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, इंशाल्लाह इसका भी काफ़ी असर पड़ेगा गवर्नमेंट पर इंशाल्लाह। और अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, क्योंकि टाइम कम है और जो है कमेंट ज़्यादा हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, इनका नाम है समरीन शेख। समरीन शेख तो हमारी जो है पहली वीडियो से ही कमेंट करती हुई आ रही हैं और इंशाल्लाह जो है ये भी आवाज़ उठा रही हैं और हम जो है इनको अपनी हर वीडियो में ले रहे हैं समरीन शेख को। समरीन शेख कह रही हैं कि हम 15 दिन इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, पर फैसला हमें अपने हक के मुताबिक चाहिए। सिर्फ हार्ड, इन्होंने लिखा है सिर्फ हार्ड एरिया नहीं, हर एरिया की गर्ल्स को 40 या 45% में पास करो। यानी कि समरीन शेख आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि फैसला जो है हमारे हक में ही होना चाहिए, जो हम यहाँ पर इतनी भरपूर जो है एहतजाज कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ और यहाँ जो स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं आपको या आ रहे हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता, हाँ इनका नाम है इरम उमेर। इरम उमेर ये कह रही हैं कि 35 पे पास करें ओवरऑल। जी बिल्कुल इरम उमेर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपकी बात भी सही है, माशाल्लाह सब सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं और हम इसी तरह करते रहे तो इंशाल्लाह अगले जो नेक्स्ट टेस्ट होंगे उसमें कुछ ना कुछ होगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें भी हो सकता है कि हमारे मसले हल हो जाएं। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ। जी तो नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है मुजीब बुक्ती। ये कह रहे हैं कि 45% ख़त्म करो, ओवरऑल 45 पे पास करो। जी जो है मुजीब भाई, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ना, बहुत ज़बरदस्त, मैं आपकी बात से बड़ा जो है मुतमईन हूँ। और इंशाल्लाह अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ और यहाँ जो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कमेंट, इनका चैनल का नाम है अपना पाकिस्तान। ये कह रहे हैं कि 40% पासिंग मार्क्स आर इनफ। ये बिल्कुल सही बात बोली है आपने जो है अपना पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात बोली है, मैं आपकी बात से मुतमईन हूँ और इंशाल्लाह हम जो यहाँ पर पुरजोश एहतजाज कर रहे हैं, पुरजोश कमेंट कर रहे हैं और जो माशाल्लाह आप लोगों के सबके कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, उससे काफ़ी जो है मतलब हम यहाँ पे वीडियोस जो बना रहे हैं आपके कमेंट्स बता रहे हैं, इंशाल्लाह ये हमारी वीडियोज़ जो है गवर्नमेंट तक पहुँचेगी इंशाल्लाह और वो इस पर जो है ज़रूर जो है फैसला लेंगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। और मुझे बहुत अच्छी जो है इसमें समझ लें कि वो है
के कुछ अच्छा ही होगा, मुझे बड़ी उम्मीद है ना। तो अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कमेंट्स ज़्यादा हैं। और ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इनकी आईडी है TCF प्रिंसिपल। तो ये भाई कह रहे हैं कि सर 45% सब्जेक्ट वाइज ख़त्म किया जाए, ओवरऑल 50 पर पास किया जाए। थैंक यू सर जी। TCF प्रिंसिपल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात भी बिल्कुल सही है, हम आपकी बात भी यहाँ पर मान रहे हैं और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनका नाम तो कुछ नहीं है लेकिन इन्होंने यहाँ पे ABC के नाम से कोई है इनका चैनल, तो इन्होंने लिखा है अल्लाह ईमान अता फरमाए हमारी गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल जो है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान, के अल्लाह जो है ईमान अता फरमाए हमारी गवर्नमेंट को, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो है मतलब लोगों की सुननी पड़ रही है गवर्नमेंट को भी ना, क्योंकि लोगों के साथ जो है बड़ा जुल्म है और हम इसी वजह से ही जो है आवाज़ उठा रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, और ये जो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, इन्होंने आईडी बनाई हुई है परी रोज के नाम से। इन्होंने कहा कि 45 पे पास करें ओवरऑल एंड 35 का क्राइटेरिया रखना चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं परी रोज के जो है 35 का जो है क्राइटेरिया रखना चाहिए और 45 पे पास करें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हम आपके साथ हैं, आवाज़ उठा रहे हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह होगा ऐसा। अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, और नेक्स्ट यहाँ पर जो है दोबारा से वही आ गए हैं TCF प्रिंसिपल, जिन्होंने हमें, मैंने अभी पहला कमेंट आपको बताया था इनका, तो उसमें ये था कि इसमें दूसरे कमेंट में ये बोल रहे हैं कि जी सर सब गर्ल्स को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल बॉयज़ को भी, मेहनत तो सबने की थी, हर सब्जेक्ट में तो हर कोई एक्सपर्ट या परफेक्ट नहीं होता, ये पॉलिसी सही नहीं है सर। जी बिल्कुल TCF प्रिंसिपल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, और इनकी जो पॉलिसी है ये हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि पॉलिसी क्या की हुई है ये। इसी वजह से ही जो है हम यहाँ पे आप लोगों के साथ मिलकर जो है इस पर बातचीत कर रहे हैं, आप लोगों के साथ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम आखिर तक आप लोगों के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, टाइम हमारे पास कम है, कमेंट ज़्यादा हैं। और अब जो है हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर, इनका नाम है आयशा रोहान। ये कह रही हैं कि वोट घर बैठे लेते हो और जवाब देने का टाइम आता है जो मासूम जानवरों पर लगाते हो, बदतर तो ये सब हुकूमत वाले हैं, बेजुबानों का क्या कसूर है। जी बिल्कुल आप, मुझे याद आया कि आप हमारी वाली वीडियो पर बोल रही हैं जो हमने जो है लास्ट डाली थी, जिसमें जो है हमने बताया था कि जो है किसी एंकर ने उसमें सवाल किया था कि कुत्तों के जो है काटने से मतलब काटने के लिए कोई ऐसा मतलब वैक्सीन वगैरह नहीं निकली जो है ना, उसमें ऐसा ही कुछ था, मुझे भी थोड़ा सा सही तरह याद नहीं है। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, और अभी हम चलेंगे जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इनका नाम है मारिया गुल। ये कह रही हैं कि सर 7 साल से एज अ वॉलंटियर प्राइमरी स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ, 3 मार्क्स कम अपने पे, PST में फेल कर दिया, पर अल्लाह से उम्मीद अब भी है। जी बिल्कुल जो है आप उम्मीद रखें, इंशाल्लाह जो है सब होगा, और हमारी जो है दुआ आपके साथ है इंशाल्लाह। अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, और यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये हैं GM चौहान ऑफिशियल। ये कह रहे हैं कि अब तक की मालूमात के मुताबिक हुकूमत रटाई पर उतरी हुई है, देखें ऊँट किस करवट बैठता है। ये भाई क्या बात बोली है आपने, यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रही हैं, इनका नाम है मदिया खान। ये कह रही हैं कि 40 ओवरऑल कर दें, हम बेहतरीन टीचर्स बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है मुझे आपसे पूरी इंशाल्लाह, आप जो एक बेहतरीन टीचर बनेंगी इंशाल्लाह। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, और नेक्स्ट जो हो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है आशिक हुसैन, और ये कह रहे हैं कि सर 45% तो CSS में भी नहीं होता, ये बिल्कुल सही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम आपकी बात मान रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, तभी तो हम एहतजाज कर रहे हैं मिलकर एक साथ, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ, और यहाँ जो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये हैं ब्यूटीफुल सेन। ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से 50 ओवरऑल बिल्कुल ठीक है, बाकी 45% वाली पॉलिसी को ख़त्म कर दें। आई एम अ हाउसवाइफ और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी मैंने स्टडी की, मेरे
54 मार्क्स हैं जी। बिल्कुल जो है अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और हम जो है भरपूर एहतजाज कर रहे हैं जीएसटी पीएसटी के लिए। और अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ और अभी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इनका चैनल है एबीसी के नाम से और ये कह रहे हैं कि आई एम रिजेक्टेड जस्ट कॉज ऑफ वन मार्क। और जो दूसरी हैं वो स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं उनका नाम है फोजिया आमना, ये कह रही हैं कि सर मेरे 44% ओवरऑल मार्क्स हैं और तमाम सब्जेक्ट में पास भी हूँ, एक नंबर की वजह से लिस्ट में नाम नहीं आया। अच्छा, तो फिर आप जो है नेक्स्ट टाइम जो है अप्लाई करिएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगली बार जो है आपका नाम आएगा इंशाल्लाह और हम आपके साथ हैं और यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। और पॉलिसी जो है ज़्यादातर जो सुनने में आ रही है वो 40% जो है पॉलिसी का कह रहे हैं लोग, तो इंशाल्लाह जो है हम बात करेंगे इस पर भी। और अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ और जो नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इनका नाम है नसरुल्ला रिंद अकेडमी के नाम से इनका चैनल है और ये बोल रहे हैं कि वी रिजेक्ट 45% पॉलिसी, 40% शुड बी पासिंग मार्क्स। जी बिल्कुल जो है इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, हम तो आप 45% पॉलिसी बोल रहे हैं, हम 40% पॉलिसी पर एहतजाज कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नई वीडियो के साथ और कमेंट्स हमें करते रहिए और बताते रहिए कि कितनी पॉलिसी जो है होनी चाहिए। शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपसे मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।